दुनिया में कोरोना का खतरा, 5.5 लाख नए केस चीन में, दर्द बुखार की दवाओं के लिए फैक्ट्रियों तक लगी कतारें। शमशान में भीड़ लेकिन चीन अनलॉक पर उतारू, लोगों ने कहा संक्रमित हो तो भी काम पर लौटो। केंद्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की, एयरपोर्ट पर रैंडम जांच, 24 दिसंबर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य। पाकिस्तान में दवाओं की किल्लत, खजाना खाली हुआ तो भारत से इंपोर्ट भी बंद, लाइफ सेविंग ड्रग्स तक मौजूद नहीं। पाक के बाद मालदीव में भी गहरा सकता है आर्थिक संकट, एक और पड़ोसी देश पर कर्ज संकट, मालदीव को IMF ने सतर्क होने को कहा। दिल्ली में 3 नाइजीरियाई गिरफ्तार, ड्रग्स की सप्लाई के आरोप में गिरफ्तारी। लखनऊ में गोमती नदी में कार डूबने का मामला, 48 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मिला युवती का शव। पहली पारी में बांग्लादेश 227 रन पर ऑल आउट, उमेश अश्विन को 4 विकेट। जफरा आर्चर की 22 महीनों बाद क्रिकेट में वापसी, साउथ अफ्रीका दौरे की टीम में चुने गए। राष्ट्रीय चयनकर्ता पद के लिए मिले 600 ईमेल, स्पैम ईमेल से तेंदुलकर, धोनी से लेकर इंजमाम के CV भी आए।